जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय आर्मी एयर डिफेंस सेंटर भर्ती 2022 के बारे में, जिसको जानने के बाद में आप झूम उठेंगे। और साथ ही यहाँ पर आपको इस भर्ती की एलिजिबिलिटी के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, इसके अलावा आपको इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है और भर करके कहाँ पर भेजना है ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी, ताकि आपको किसी और वीडियो का वेट या फिर किसी अन्य वीडियो को देखना न पड़े। इसी वीडियो से आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सके। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं एंड अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं इंप्लॉयमेंट नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर यानी कि आर्मी एयर डिफेंस सेंटर के अंतर्गत यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। आपकी पोस्ट यहां पर है एलडीसी की, कुक की और वाशरमैन की। अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपसे एमटीएस की पोस्ट पर 10वीं पास की मांगी है एंड अगर आप कुक की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपसे 10वीं पास के साथ में ये कहा है कि इंडियन कुकिंग यानी कि जो इंडियन खाना होता है बनाना वो आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है और साथ ही आपके पास टाइपिंग भी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। दोनों टाइपिंग कंपलसरी नहीं है, कोई एक टाइपिंग अगर आपको आती है और आप 12वीं पास हो तो आप एलडीसी की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ जो आपकी एमटीएस वाशरमैन की पोस्ट है या सॉरी एमटीएस सफाई वाला, ये सब आपकी पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और आपको बोला है कि कन्वर्सेंट विद ड्यूटीज ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, यानी कि जो आपका ये काम है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, जिसमें कि मैसेंजर है और सफाई वाला है, ड्राफ्टरी और चौकीदार है। तो इसमें एक्सपीरियंस अगर आप बनवाना चाहेंगे तो कहाँ से बनवाएंगे मैं आपको बता दूँ, तो आप अपने गाँव के सरपंच के पास जाइए और उनसे नोटपैड पर लिखवा लीजिएगा कि इसने यहां पर 1 साल तक सेवा की है और फिर उस पर उनका मोहर लगेगा, उनके साइन होंगे, वही आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा इस पर अप्लाई करने के लिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है सिंपली। अगर आप एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास की योग्यता मांगी है एंड अगर आप एलडीसी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे यहां पर 12वीं की योग्यता मांगी है। एक पोस्ट जो आपकी एलडीसी की है इस पर आपसे 10वीं पास की भी योग्यता मांगी है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों पर 12वीं की ही योग्यता मांगी है। तो ये आपने जाना, यहां पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपकी 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए रहने वाली है एलडीसी की पोस्ट पर, और जो आपकी एमटीएस और वाशरमैन की पोस्ट है इस पर आपको 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए दी जाएगी। और साथ ही मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि ये वैकेंसी फुल्ली परमानेंट है, कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है। एज आपकी 18 से 25 साल रहने वाली है, साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब गाइज यहां पर बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और कहां पर भेजना है। तो मैं आपको यहां पर जो लिंक दिया हूं हमारी वेबसाइट का, ये आपको एक बार फिर से ओपन कर लेना है और आपको यहां पर ये जान लेना है कि आप लोग इस फॉर्म को 3 दिसंबर 2022 से लेकर के 23 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। यहां पर आपने क्वालिफिकेशन तो जान ही ली है, आपने सैलरी भी जान ली है, अभी यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी उसकी पूरी लिस्ट यहां पर आपको दी गई है। इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू है वो आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, जो लागू नहीं है वो आप अटैच नहीं करेंगे। एंड आपका जो रिटर्न और फिजिकल टेस्ट होगा ये कहां पर होगा वो आप देख सकते हैं, ये आपका गंजम ओडिशा के अंदर होने वाला है और इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को सेंड करना है और लिफाफे के ऊपर आपको ये वाली लाइन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके बाद में उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, एंड कैटेगरी लिखने के बाद आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है वो कैटेगरी आप लिखेंगे और फॉर्म को आपने रजिस्टर्ड या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है।
तो ये तो हुई आपकी अन्य जानकारी। अब यहाँ पर फॉर्म आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ साइड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। यहाँ पर है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड टू बी पेस्टेड नॉट स्टैपल्ड, यानी कि आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है उसके ऊपर स्टैंपल यानी कि पिन नहीं मारनी है बल्कि चिपकाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। जेंडर आपका क्या है, सेक्स मेल या फिर फीमेल वो आपको लिखना है। फादर्स हस्बैंड नेम आपको 4 पॉइंट में लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, 02/05/ इस तरह से आपको आपकी DOB सेम फॉर्मेट में लिखनी है। आपकी उम्र इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक कितने साल कितने महीने और कितने दिन की होती है, ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे। एज जो आपकी आप अपनी काउंट करेंगे वो 23 दिसंबर 2022 तक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है विद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वो आप यहाँ पर देंगे। 9 पॉइंट में आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो आप नेम ऑफ एग्जाम पास्ट के अंदर 10th लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग के अंदर किस साल के अंदर आपने पास की है वो लिखेंगे, नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड किस बोर्ड के द्वारा की है जैसे कि CBSE, MP, ICSE, UP बोर्ड, जिस भी बोर्ड से की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कितनी परसेंटेज आपको आई थी वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में लिखेंगे, डिवीजन आपकी क्या थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और रिमार्क्स के अंदर पास या फिर फेल आप लिख देंगे। फिर यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम पास्ट के अंदर अगर आपने 12वीं भी किया तो आप 12th लिखेंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी ने 10th की भरी है। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और यहां पर आपको इस वाले सेक्शन में यस लिखना होगा। कैटेगरी टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहां पर उसके ऊपर राइट का निशान लगाना है, और कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, UR, SC, ST, OBC वो आप यहां पर उसके ऊपर निशान लगाएंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हां तो यस के ऊपर, नहीं तो नो के ऊपर निशान लगाना है। और आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहां पर लिखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। नेशनल में आप INDIAN यानी कि इंडियन लिखेंगे। इसके बाद आप यहां पर डेट लिखेंगे किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहां पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। पार्ट बी में आपको यहां पर जो जानकारी भरनी है यहाँ पर है टू सेल्फ एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। अब फिक्स रिसेंट यहाँ पर आपको सेम तरीके से अपना फोटो चिपका देना है, और ये जो बाकी की जानकारी है ये आपको खाली छोड़नी होगी। पहले बस यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफ के सामने जो आपने पोस्ट पर अप्लाई किया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर ऑफिस यूज ये आपको नहीं भरनी है, ये ऑफिस के द्वारा भरी जाएगी। ये आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है और मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि कहाँ पर आपको फॉर्म को सेंड करना है। इस एड्रेस के ऊपर सोफे के ऊपर ये लाइन लिखनी है, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भी आपको इस फॉर्म के साथ में भेजना होगा जिसके ऊपर 25 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए। तो गाइज ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।